से हटाए। यस सर। अगला एग्जांपल लगा रहे हैं दोस्त, और बताइए क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चले आगे की ओर। यस सर। बोल नहीं रहे हो दोस्त। यस सर। यास लग गया है। नो सर। बस अगर थोड़ा सा और चलाते हैं, तब उसके बाद आप पानी पीकर आइए, तब बात फिर हम लोग आगे की तरफ करते हैं। बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर का सुनोगे तो सवर जाओगे। सवरना है, बिखरना है, तो हमेशा अंदर का सुनो, हमेशा अंदर का। अंदर कौन बैठा है? अंदर कौन बैठा है? गॉड। कौन बैठा है? गॉड। लेकिन बाहर कौन बैठा है? ठीक है, यस। आइए यहाँ पे चलते हैं। सब हटा दिया, आपके कापे में प्रिंटिंग है, वहां पे देखते चलिएगा वर्ड सेंटेंस। सही है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? गलती कहाँ है? सही है। कहाँ है? वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे बैठ जा देता है। सही है। हम रीजन दिखा रहे हो, किसके लिए दौड़ रहे हम दोनों लोग? नेहा के लिए। नेहा के लिए कौन दौड़ रहा? आई एम रनिंग इन द फील्ड विद अंजलि। मैं अंजलि के साथ मैदान में दौड़ रहा हूँ नेहा के लिए। किसके लिए दौड़ रहा हूँ? नेहा के लिए। अब मेरा यह उद्देश्य नहीं था बड़ा सेंटेंस लिखना, मेरा समझाना था, लेकिन हमने बड़ा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस को पहले, सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों? किसी भी सेंटेंस को दो भागों में ब्रेक करना ही है, ब्रेक करना है हर हाल में। समझदार है ना? Yes, तो यह बताओ क्या कहलाएगा? और यह बताओ क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट। कहलाएगा प्रीडिकेट। प्रीडिकेट किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता है, उसे कहते हैं प्रीडिकेट। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये बताओ क्या हो गया? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। ये बताओ, मेन वर्ब। यह है अगला वर्ब दिखाई दे, क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। कहाँ दौड़ने का काम कर रहा है? मैदान में। किसके साथ? अंजलि के साथ। दौड़ रहा है नेहा के लिए। नेहा के लिए दौड़ रहे हैं। किसके लिए दौड़ रहे हैं? नेहा के लिए। नेहा के लिए। अब यहाँ पे ये बताओ, अभी आपने रनिंग 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 चिल्लाते चला आया है, अब ये बताओ रनिंग क्या बन गया? मुझे मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब बना है, क्या बना है? मेन वर्ब। तो कैसे कह सकते हैं कि हम याद कर ले? अब दिमाग नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा दोस्तों आप लोगों का? कि याद नहीं करना है, याद नहीं करना तो सर आएगा कैसे? आएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अर्थात समझदारी के साथ आएगा। आपको हर पॉइंट पर समझना है, हर पॉइंट पर मीनिंग अलग अलग होते हैं। अगर उस चीज को नहीं समझा तो परेशानी हमारे पास आएगी, परेशानी आएगी तो हमें मजबूत बनाती है, लेकिन हम उससे बिखर जाते हैं। परेशानियों से हम क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जबकि परेशानी आती है तो हमें खुशियां देकर जाती है। क्या देकर जाती है? एक मजबूती देकर जाती है, इससे बिखरना नहीं है आपको। चलिए दोस्त, यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये क्या है? प्री पोजिशन। प्री पोजिशन का क्या है?
क्या ये अपडेट का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? कर रहा है, लेकिन है यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है दोस्तों? कहाँ पे? मैदान में। कहाँ पे? वेयर से प्रश्न पूछने पर ये आता है। वेयर से अगर प्रश्न पूछोगे हमेशा प्लेस बताता है। क्या बताता है? प्लेस बताता है, और प्लेस बताएगा तो ये एडवर्ब कहलाना शुरू हो जाता है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों। ये अब नाउन नहीं रह गया, दिख रहा है नाउन। हम बोले हैं मन में राम, बगल में चूड़ी। कई लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, बाहर से तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। अंदर अंदर आपका गला घोट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, दिखाई तो देगा शक्ल से ये नाउन है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? एडवर्ब। तो काम के अनुसार नाम रखा जाता है कि देखने के अनुसार नाम रखा जाता है? काम के अनुसार। काम के अनुसार। अभी दिख तो रहा है बहुत, कई महिलाओं को ऐसे देखोगे एकदम सुंदर सी गोरी सी रहेगी, लेकिन जब बोलेगी तो उसकी आवाज चुपलाएगा या वो आवाज ठीक से नहीं निकलेगा। कई ऐसे होते हैं ना जैसे लगे बहुत कलूटी है, लेकिन इतने गजब की मिठास निकलेगा, हर शब्दों में पावर रहेगा। फिर बताइए कैसे फर्क किसी को देखकर बोल सकते हैं या उसके अंदर के गुण को देखेंगे, उसका कार्य जानेंगे? कार के हिसाब से नाम रखा जाता है। किसके हिसाब से दोस्तों? कार के हिसाब से। तो बताओ ये क्या है? नाउन है कि एडवर्ब है? एडवर्ब। कुछ ख्याल आ रहा है धीरे धीरे? यस सर। ये बताओ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ कहाँ आता है? प्रीपोजिशन के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। और प्रीपोजिशन के बाद कितना प्लेस? दो प्लेस। नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं घुस रहा तो हथौड़ी लेकर आया करो। अब थोड़ा टोकोगे तो अंदर घुसेगा किल्ला ना, अंदर धसता नहीं है। किल्ले को धसाने के लिए क्या करना पड़ता? प्रेशर लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दीवार में ठोकना होगा ना, तो प्रेशर लगाना पड़ेगा अलग से। बिना प्रेशर का नहीं जाएगा। नहीं, हाथ से लगा के देखो तो प्रेशर है तो मार रहे हो ना। प्रेशर जितना ज्यादा उतना ज्यादा ये काम करेगा अंदर की तरफ। आइए समझते हैं। तो फिर बताओ हम किसी भी चीज को याद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आज से हम लोग क्या करना छोड़ दिए? याद करना ही छोड़ दिए। तो सर बोलेंगे आपके, पापा बोलेंगे इतना याद किया है, तो क्या जवाब देंगे? सर आपके याद करवाते हैं कि नहीं? कहेंगे नहीं याद करवाते हैं। कहीं को कुछ देते ही नहीं है क्या? तब क्या जवाब देंगे? सर को दोषी बनाएंगे है ना। सब कुछ देते याद करने के लिए देते ही नहीं है, बस समझा देते हैं, हम समझ जाते हैं, बस इतना ही कहना है। तो फिर कुछ कर देखिए क्या कितना है आपको ये जो पढ़ाए हैं सर? याद नहीं करवाते हमारे सार, क्या करवाते हैं? समझाते हैं, समझदारी के साथ बोलते हैं कि अपने अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड लाओ। अपने अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लाओगे तो हम बात समझ नहीं पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड लाइए और बातों को समझते हुए चलिए। अगला एग्जांपल दोस्तों आपके सामने रख रहे हैं और देखिए क्या आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। आई सा अ रनिंग मैन। मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल अगर लेकर समझाते नहीं समझ में आता, उसी चीज को हम घुमा रहे हैं, उसी चीज को फिरा रहे हैं। हमारी जैसी बात होगी भाई, हम जिस चीज को देखेंगे वैसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सिचुएशन बदलेगा कि अगर रट्टा मार के रख ले मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। काम बदल रहा है कि नहीं बदल रहे? वही वर्ड नाच रहा। हम चाहे इसके स्थान पर और भी लिख दे रहे हैं, लेकिन हम एक ही लेकर चल रहे हैं ताकि समझ में आए आपको। रनिंग के स्थान पे स्विमिंग लिख दो, कुछ भी लिखो, कोई भी नाउन लिखो, कोई भी वर्ब लिखो, क्या बनेगा? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैंने कैसा व्यक्ति देखा दोस्तों? दौड़ता हुआ व्यक्ति देखा। मैंने दौड़ता हुआ व्यक्ति देखा। कैसा व्यक्ति? ये क्या बता रहा है बताओ जल्दी से? इसका गुण बता रहा है। अरे क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ध्यान रखना, नाउन के आगे आने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी बात करेंगे वह कहलाएगा नाउन। अगर उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो कहलाएगा एडजेक्टिव। वैसे नाउन के आगे आया तो क्या कहलाएगा? यह एडजेक्टिव। लेकिन इतना रट्टा मत मार लेना कि नाउन के आगे आने वाला हर शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। समझना पड़ेगा इसको भी। yes, आप आमतौर में समझ गए हो 90%, लेकिन 10% अभी फंस जाओगे बार बार।
क्योंकि हम जब बात करेंगे इस चीज का ना, तब ये नाउन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव, यह क्या कहलाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम होना शुरू हो जाएगा, ये तब ये सब्जेक्ट बन जाएगा अपना। जब इधर बात करेंगे शुरुआत में, तो भाई वही है अभी जो आप समझ रहे हैं, नाउन के आगे आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। अभी आमतौर पर यही जानते रहिएगा, आ रहा समझ में? पच नहीं रहा है, पच रहा है, गल जा रहा है शरीर में, बस हजम हो जाए मस्त मस्त, मस्त मस्त नहीं। आइए यहाँ पर चलते हैं, अभी बताओ यहाँ पे क्या चीज हो गया, रनिंग रनिंग रनिंग, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, हैबिट, यानी जितने भी वर्ब आप लिखते चले जा रहे हैं, सब क्या क्या गेम कर रहे हैं अपने साथ, सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कितने शब्द को हम याद करें बताइए, कि ये रन मैन दौड़ना ही होता है, बस बताइए, जानते हैं लेकिन उसका काम नहीं जानते हैं, काम जानना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? आप परीक्षा में बैठोगे एकदम टॉप लेवल पे, शुरुआत में ही जब सफल हो जाओगे तब समझ में आएगा ये क्या चीज चल रहा है। पढ़ाई करिए अपनी नॉलेज के लिए, कुछ करने के लिए, पढ़ाई डिग्री के लिए मत करिए, डिग्री के लिए पढ़ना है विदाउट कोचिंग का रहिए, स्कूल से बस मतलब रखिए, या नहीं भी पढ़ते हो एक महीना दो महीना पढ़ लोगे तो भी टॉप लिस्ट में चले जाओगे और अच्छा खासा नंबर से पास हो जाओगे, तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, तब डिग्री अपने आप मिलेगा, पैसा बर्बाद मत करिए आप लोग, पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट मिलना चाहिए आपको, कि सर जो हम ये पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं क्या इसका हमें बेनिफिट भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तभी तो हमारा ये जो पैसा बर्बाद हुआ सब क्या हो जाएगा, यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, पढ़ा लिखा छह महीने का फीस दिया है तो बताइए वो क्या हो जाएगा, सब व्यर्थ जाएगा कि नहीं जाएगा, सबका सब व्यर्थ चला जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो इस पैसे का जो कीमत समझिएगा, बाद में कीमत समझ में आएगा, जब अपने कोई नौकरी नहीं लगेगा और जब अपने सहारे पर हो जाएंगे, कोई हमसे 10 रुपए मांगेगा तब जब जेब से निकालना पड़ेगा तब समझ में आएगा 10 रुपए कितने मेहनत से आते हैं। ऐसे तो आपके जेब में 1000 रुपए निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, कटाक से 1000 रुपए निकल जाएगा, कोई जैसे तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो आपका कमाई नहीं है, वो आपके माध्यम से नहीं आया है, वो किसी दूसरे के माध्यम से आया है, जब दूसरे के माध्यम से आते हैं ना तो फिजूल का खर्च अपने आप होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई रोकेगा तो चार ठम सुना भी देते हैं, तुम्हारा खर्च कर रहे हैं क्या, अपने आप शब्द मुंह से निकलेगा, जब अपना अपना खुद का कमाओगे तब समझ में आता है कि ये पैसा 10 रुपए का 1 रुपए निकालना भी भारी पड़ जाता है। आइए यहाँ पे समझते हैं, अब मुझे बताओ हम किसी भी चीज को याद नहीं करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव बन गया, वही शब्द देखो क्या क्या बन रहा है, एडजेक्टिव है किसका विशेषता बता रहे दोस्तों, इस नाउन की विशेषता बता रहे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम अगला बात कर रहे हैं और देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कौन सा शब्द सही है, अगर इसमें जो जवाब दे पाया उसके लिए एक लॉलीपॉप पक्का क्या मिलेगा, लेमन जूस। वो वीडियो कटअप हो गया था ना, यस नया लगाया हो, यस सर, लॉलीपॉप मिलेगा दोस्त, बढ़िया वाला, हमें भी ये पसंद है जो हम लाए हैं ना, नहीं तो एक पान वाला टॉफी खिलाएंगे, कल का एक पान वाला लाया, बड़ा मन को भाग गया, हम तो सोचते बेकार रहेगा लेकिन जैसे ही एक को खाया ना एकदम मन को मोहित कर लिया है, गजब का चीज है ऐसा, तो टॉफी मस्त मस्त लगा, बहुत खाते अभी इसको, कल आया 5-7 तो हम ही खा गए, अरे भाई लॉलीपॉप टॉफी, हाँ ये वाला टॉफी, या तो पान वाला टॉफी खिलाएंगे या तो लॉलीपॉप खिलाएंगे आपको, ठीक है ना, जो बताएगा वही पाएगा, आप देखते हैं कौन कौन बताता है सही है गलत है, सही है गलत है, चले दोस्तों लिखे, यस सर,
सेंटेंस लिख रहे हैं हम, कितने सेंटेंस लिख रहे हैं? क्योंकि दो सेंटेंस लिखेंगे तब फर्क दिखाई देगा, सही है गलत है, क्या गलती है और क्या सही है आपको बताना है, ठीक है ना? चलिए दोनों सेंटेंस मैंने लिखा है, क्योंकि तह तक तो पहुंच रहे, इसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा तक स्पेंड करेगा अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तब, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा और यहां से आपको समझ में आ जाएगा क्या गजब की बात है और क्या गजब की लाइन है। अच्छा ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं हम, ऐसा तो आज हम पहली बार जाने कि ऐसा भी होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। आइए समझते हैं क्या खास बात है और क्या नई बात है इसमें। बोलिए पहला सेंटेंस सही लिखा गया है? गलत है। यस सर। कहाँ गलती है? हेल्पिंग। हाँ इसके बाद क्या नहीं लगे? यहाँ पे यस नो आर कोई दिक्कत नहीं है, समता नहीं है, कोई दिक्कत, बस ना करो, पावर इनके लोगों के अंदर है। आप अभी बस सुनिए क्या सही और क्या गलत है, लोग कैसे सही बोल रहे हैं कैसे गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना? आप अभी ना तो ए लगा पाओगे ना द लगा पाओगे ना एन लगा पाओगे, क्योंकि आप अभी लेवल शुरुआती किए हो, अभी आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे हम कर सकते हैं, आप बता सकते हो, थोड़ा पढ़िए समझदारी लाइए अपने आप आपको आ जाएगा, तब आपके टैलेंट ही आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लगा दे? आर लगा दे। कितने लोग सही में है हाथ उठाइए, जितने लोगों का सही होगा लॉलीपॉप मिल जाएगा। सही अब भाई या तो लगेगा तो आज लगेगा, लेकिन मुझे खुद ही पता है कितने देने की आज लगेगा। हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, कितने लोग सही में है? ऊपर वाला सेंटेंस सही है गलत है? अब सही है, सही है, यस सर। सबका सही है? यस सर। सबका गलत है? चलो किसी को लॉलीपॉप नहीं मिला ना पान वाला टॉफी मिलेगा। अभी हम लोग हम नीचे, हम नीचे वाले में अभी तो लगा दो अलग वाली सही वाले चलेंगे ना। अरे तुम लोग बोले नहीं, अब आगे क्या लगा दीजिए उसमें? आगे क्या लगा दीजिए? नहीं कोई नहीं क्या लगा रहे हो? अरे मेरे भाई दो याद आन दो। गलती नहीं पकड़ में आएगा तो, क्योंकि सेंटेंस में वैसा लिखा हूं। बोलिए सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? तो मैं जानता था कि आप लोग ये सही कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको बोला ये गलत है और आप लोगों का सही है। कल मिलेगा सबको टॉफी, हाँ एक मिलेगा अब। हाँ और जो जो गलत थे वो बोल रहे उनको कौन सुकून बोल रहा था ना? हाँ पान वाला खिलाएंगे, घबराइए नहीं, वही टॉफी खिलाएंगे जो हमें पसंद आया है। हाँ बढ़िया है। अब चलिए नीचे वाले में अगर जो बता देगा दोस्त ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, उसका आधा महीना फीस माफ।
चलिए जल्दी से आधे महीने का फीस बाप नीचे वाला सेंटेंस सही है या गलत है, बस इतना बताइए आप। गलत है, कहाँ गलती है? यहाँ स्टोरी लिख दे, ठीक है स्टोरी बना दिया, अब सही हो गया। कभी जो लगा दे स्टोरी के साथ, क्या लगा देता? लेकिन हम ऐसा चीज इसलिए लिखा है कि दोनों जगह यस यस लगाए ताकि आप कंफ्यूज में पड़ रही है। मैं इसे अब हमें ऐसा लिखना होता तो आप पकड़ लिए होते अब तक। मैं इसलिए लिखा कि आप थोड़ा समझिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्या हम बातें कर रहे हैं, क्या बातें नहीं करना चाहते यहाँ पे। तो बताइए कितने लोग सही में है, क्या होना चाहिए? स्टोरी नहीं, स्टोरी बताइए सही है या गलत है? एक महीने का फीस माफ है, क्योंकि अब सही है कि गलत है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, हमें भी नहीं। एक महीने का माफ राइटिंग में डब्ल्यू आर आई डबल टी आई एन जी। चलिए एक महीने का माफ है दोस्त, अगर आपने बता दिया सही है कि गलत है। डेढ़ महीने का, दो महीने का, अब सोचो दो महीने का है, अब मत बोलना कि चांस नहीं देते हैं। कैमरे में आप नहीं दिख रही, इधर आइए, बताइए जल्दी से सही है कि गलत है। दो महीने का फीस माफ, तीन महीना तीन महीना जल्दी जल्दी, तीन महीना से चार महीना हो गया। बीट बढ़ा लो, बढ़ा दो, बता दो जल्दी, चार महीना पूरा है दोस्त। कंपोजिंग में स्टोरी इज माय हॉबी होगा, लाइक स्टोरी आर माय हॉबी। रुके रहिए आप, पहले आप शांत रहिए, आप बताइए दोस्त। हम बता दीजिए अपन, बता दीजिए राइटिंग स्टोरी इज माय हॉबी। राइटिंग स्टोरी इज माय हॉबी, नहीं छह महीने का माफ। बैठ जाइए, छह महीने तक था, आप कोई नहीं बता पाया, बस एक गलती है, कंपोजिंग बस एक गलती है और एक जगह है, और कहाँ गलती है? वहाँ पे दर रहेगा आर के बाद। नहीं भाई, एक जगह गलती है बस, एक साल का फीस माफ, सीधा सीधा एक साल का माफ है। अब एक चांस और देते हैं, कंपोजिंग रहेगा, हॉबी रहेगा सर, इज राइटिंग अ स्टोरी आर माय हॉबी। नहीं नहीं, बैठ जाइए, राइटिंग की जगह कंपोजिंग। नहीं बाकी लोग बैठ जाएगा, अच्छा तेजस के लिए एक बार चांस है, एक साल के लिए पूरा माफ एकदम से 100%। बाकी लोग बैठ जाइए, हार की जगह वाज, हार की जगह वाज। वाज क्यों लगाएंगे भाई? यहाँ स्टोरी रहेगा और यहाँ नहीं बाबू, स्टोरी बना देंगे तो फिर इज तो हो ही जाएगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यह गलत। इसके नहीं तो हम कहानियों की बातें कर रहे हैं ना, यहाँ हम हर मुंह से निकल जाएगा, क्या होता है, बैठ जाओ, बैठ जाइए, क्योंकि हम धीरे धीरे बता ही दे रहे हैं अब इसका आइडिया। अब देखिएगा, एक साल का माफ था लेकिन आपने पकड़ा नहीं, बस गलती एक जगह है दोस्तों, ईज, जो आ रहा है ना वही ईज होना चाहिए, बस यहाँ पे गलती है, कहाँ पे? आर की जगह क्या होना चाहिए?
ईज होना चाहिए दोस्तों, बस आप हम पकड़ नहीं पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए, आप इतना बस समझते हो कि सर नाउन के आगे हमेशा आने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होता है, नाउन के आगे आने वाला शब्द नाउन भी होता है, वो नाउन होता ही 100% होता है, वर्ब का काम भी करता है, अगला वाला वर्ड वो नाउन नहीं कहलाता, वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाना शुरू हो जाता है। अब इसी बात को समझना है, इसलिए दो लाइन मैंने लिखा, दोनों प्लूरल में लिखा है, एक जगह सिंगुलर की बात हो रहा है और एक जगह प्लूरल की बात हो रहा है, एक जगह सिंगुलर की बात हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, प्लूरल की बात हो रहा है। तो डांसिंग पीकॉक, नाचते हुए मोर, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोर की बात, ये खासियत बता रहा है इसका, तो ये समझ में आ रहा है कि ये एडजेक्टिव होता है, समझ में आ गया कि दोस्त ये एडजेक्टिव है, क्या दोस्तों नहीं समझ पा रहे हैं क्या, बताइए जल्दी से, ये एडजेक्टिव बोल रहे हैं किस हिसाब से बोल रहे हैं, नाचते हुए जो मोर है वो यहाँ क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्त, गा रहे हैं, तो कैसा मोर है, नाचते हुए मोर है, कैसा मोर है, क्या पता चल रहा है एडजेक्टिव है कि नहीं है, नाउन के आगे होना शब्द एडजेक्टिव तो होता है लेकिन कुछ ख्याल किया करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा है राइटिंग स्टोरीज, कहानियां लिखना, किसकी बात हो रहा है, कहानियों की बात कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं, कहानियां लिखना मेरा क्या है, हॉबी है, कहानियों की बात नहीं कर रहे, लिखने की बात कर रहे हैं, जब लिखने की बात करेंगे तो फिर बताए सब्जेक्ट कौन है, लिखना तो हर एक बात होता है लेकिन जो कहानी लिखेगा तभी उसका हॉबी रहेगा ना, उसका हॉबी। अब इसका यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या लिखना, कुछ भी लिखना हो सकता है, कोई भी चीज लिखना हो सकता है, तभी तो यह राइटिंग क्या बन गया, वर्ब भी है और नाउन भी है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डबल काम कर रहा है, फंक्शन इसका बदल गया, ऐसे फंक्शन को आपको समझना है, इसी वाले फंक्शन को समझना है, नाउन के आगे जो आप दिखाई देगा जरूर लेकिन ये होता नहीं है, फेल हो जाता है हमारा बुद्धि, इसलिए बोले ना कठिन सब दुनिया देखा जाए, एक साल का मार्क क्यों पड़ा, क्योंकि यहां तक बुद्धि पहुंचेगा नहीं, इसलिए पकड़ नहीं पाएंगे, अब पकड़ नहीं पाएंगे तो इनाम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, और कोई सवाल है तो पूछते रहिए, अभी हम समझा रहे हैं, राइटिंग स्टोरीज कहानियां की बात नहीं हो रहा, लिखने की बात हो रहा है, लिखना मेरा हॉबी है और क्या लिखना हॉबी है पूछिए ना, सेकेंड टाइम में जो प्रश्न आता है उससे अपना ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, क्या कहलाता है वह, ऑब्जेक्टिव केस। अब यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है यह नाउन भी है यह वर्ब भी, इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है यह सब्जेक्ट भी, और सब्जेक्ट कैसा होगा, राइटिंग लिखना, सिंगुलर के प्लूरल, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही चीज ऊपर लिखा वही चीज देखो यहाँ पे है, आई एक एडजेक्टिव बन जा रहा है और एक क्या बन जा रहा है, नाउन बन रहा है। गहराई से थोड़ा जाओ, नहीं समझ में आ रहा है घबराने का प्रयास मत करना, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, तो कहानियां लिखना बताइए मेरा क्या है, मेरा हॉबी है, तो बताओ सब्जेक्ट कौन है, राइटिंग, ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है और यह क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन मत रहना, मैं दूसरा से पूछोगे बार बार फंसेगा यहाँ पे, इसमें जवाबदारी नहीं दे पाएगा, तो बताओ इसके अनुसार क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार, इज की आर, इज की आर, अब क्या होना चाहिए, इज जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हॉबी या हॉबीज, हॉबी हो जाएगा, अब जाके क्या होगा, तो राइटिंग स्टोरी इज माई हॉबी। ठीक, आर्टिकल नहीं लगाओगे, कॉमन नाउन है तो। अब समझ में आया है सब, नोट डाउन करिए, पानी पीजिए, फिर आइए बात।